हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचिज क्रिएशन। सो आज मैं आपके सामने बनाने वाली हूँ ब्रेड स्टिक रेसिपी, ब्रेड स्टिक की रेसिपी जो एगलेस होगी। और सो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए हमें चाहिए, मैं वन कप एंड हाफ डेढ़ कप मैदा यूज कर रही हूं, डेढ़ कप। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टेबल स्पून शुगर, हाफ टेबल स्पून ईस्ट, हाफ टेबल स्पून मिल्क पाउडर। अभी हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें हाफ छोटा चम्मच बहुत ही सॉल्ट डालेंगे और हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने ये गुनगुना पानी ले लिया है और पानी गुनगुना ही होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना ईस्ट अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेते हैं और हमें इसका डो बनाना है, हमें बहुत ही ज्यादा गीला नहीं करना है। मैं इसे हाथ से मिक्स करूंगी। अभी मैं यहां पे हाफ टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल यूज करूंगी, आप बटर भी यूज कर सकते हैं। बटर को आप मेल्ट कर लीजिए, बटर या घी आप जो भी यूज करना चाहते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। बेकिंग करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़े से मेजरमेंट्स ध्यान रखने पड़ते हैं एंड दैट्स इट। डो हमारा जब ऐसे हो जाएगा तो हम इसे किचन काउंटर पर शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा ऑयल डाल के, और इसे हम स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे।
जब तक ये चिकना ना हो जाए इसमें 10 मिनट्स तक लगेंगे आपको। थोड़ा थोड़ा करके और थोड़ा ऑयल डालूंगी। जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा आपके हाथों में उतना नहीं चिपकेगा। हम 1/2 टेबल स्पून ऑयल और डालेंगे। स्ट्रेच एंड फोल्ड। बहुत ज्यादा टाइट हाथों से नहीं करना है आपको, हल्के हाथों से करें। आप देख सकते हैं ये डो पहले से कितना चिकना हो गया है, बट अभी ये कंप्लीटली नहीं हुआ है। जब आप एक बार बेकिंग स्टार्ट करेंगे आप बहुत एंजॉय करेंगे इसको। 2-3 डॉ बीच में मैं और रिफाइंड डाल रही हूं। ऐसे इसमें मिक्स करते करते टोटल इसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल इजीली लग जाएगा। थ्री ड्रॉप और डालेंगे रिफाइंड। सी अभी ये हाथों में नहीं चिपक रहा है क्योंकि ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब देखिए ये जितना आप स्ट्रेच करेंगे जितना अच्छे से हो जाएगा तो ये जल्दी से फटेगा नहीं। अभी हमें इसे थोड़ा सा और करना है। 2-3 ड्रॉप ऑयल और लेंगे हम इसमें लाइक दिस। इट्स ऑलमोस्ट डन। मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसे कैसे देखेंगे कि ये हुआ है या नहीं हुआ है सही से। पहली चीज तो ये आपके हाथों में चिपकना बंद हो जाएगा। सी बहुत ही कम नाक के बराबर हो जाएगा। जब स्ट्रेच करेंगे तो लाइक
ये हमें ऐसा चाहिए। जो बोल हमने इसको मिक्स करने के लिए लिया था उसी बोल में हम इसे रखेंगे और इसके ऊपर हाफ टेबल स्पून रिफाइंड डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके आप कहीं ऐसे जगह पे रख दीजिए जहां अंधेरा हो या थोड़ी हीट हो। मैं इसे माइक्रोवेव में रखूंगी करीबन एक घंटे के लिए और उसके बाद स्टार्ट करूंगी। जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा डो है वो 45 मिनट्स के बाद ऐसा हो गया है, जस्ट डबल। अभी हम इसको पंच करेंगे। हम अगेन इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करेंगे, ओनली 1 or 2 minutes। ये मैं 3 टाइप्स के ब्रेड बनाने वाली हूं तो मैं इसके 3 पार्ट करूंगी। ये बेकिंग ट्रे है, इसको मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूंगी। ये मैं आपको इतने छोटे इसलिए बना रही हूं जिससे आपको मैं डिजाइन बता पाऊं। अभी मैं नाइफ से इसमें कट्स लगाऊंगी। हमें कट ऐसे प्रेस करके नहीं लगाना है, लाइक दिस। स्प्रिंकल और इसके लिए इसमें मैं डिजाइन बनाऊंगी। और इसमें तो ये 3 डिजाइन्स हैं मेरे ब्रेड के और अभी मैं इसे 10 मिनट्स के लिए कपड़े से ढककर छोड़ दूंगी। टेन मिनट्स के लिए
10 मिनट बाद ये ऐसे हो गए, फूल गए ये। अभी हम इन पर ऑयल ब्रश करेंगे, आप दूध भी कर सकते हैं, दूध कर सकते हैं, बटर कर सकते हैं। और मैं अभी इसको बेक करूंगी 170 डिग्री पर 16-17 मिनट्स के लिए। सो देख, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से पक गया है, बेक हो गया है। अभी हम इसको स्टैंड पर रखेंगे। बहुत गर्म है अभी, तो ये जॉइंट हो गए हैं। तो इनको लुक एट दिस ब्रेड, आई होप यू विल सी दिस सॉफ्ट।